अब हम कुछ प्रयोग करेंगे खड़े होके। बैक पेन कितने जन को है? बैक पेन, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, कमर दर्द, कितने लोग हैं? आज ही अच्छा होना है नहीं? चलो मेरे तो ये इच्छा थी आज ही आपको रिजल्ट मिले। अच्छा अभी आपको स्लो जाना तो फिर नहीं कराएगा। अच्छा देखिए जरा पोडियम मेरा हाँ चल रहे हैं चल रहे हैं। और मेरी भावना है कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की है एसोसिएशन वाले ने, मेरे मेंबर कितने मुझे मालूम नहीं, काउंट में लिखा लेकिन होएंगे 100 तक तो होएंगे अंदाज के ज्यादा मनोज जी। हाँ चलो ठीक है, चलो जितने भी है जिसके बाकी में लिखा हुआ वो लाभ ले सकता है। शिव जी और पार्वती जी ऊपर से जा रहे थे तो नीचे दो आदमी यंगस्टर भीख मांग रहे थे, पार्वती जी को दया आई, पार्वती जी का प्राणनाथ ये गरीब है कुछ सोने के 100 रुपया बिखेर दीजिए, तो शिव जी ने कहा इनके भाग्य में नहीं लिखा है। पार्वती ने बहुत जिद की तो शिव जी ने जब वो दोनों चल रहे उनसे 150 फीट आगे 200 सोने के 100 रुपया बिखेर दी। लेकिन जैसे ही वो यंग दंपति 20 कदम दूर रहे और उन्होंने सोचा कि अभी तो हमें दिखाई दे रहा है लेकिन जब बूढ़े हो जाएंगे नहीं दिखाई देगा तब कैसे चलेंगे, चलो आंख बंद करके चलते हैं। तो आंख बंद करके चले तो 100 रुपया हमें मिली, इतना सुंदर आयोजन किया है और बड़े खेत की बात है केवल इतने लोग और कम से कम 200-300 लोग होना चाहिए। हालांकि जिसके भाग्य में लिखा है वही लाभ देने वाला है लेकिन जितने भी लेंगे उनके लिए अच्छा है। चलो ठीक है, बैग के लिए हाथों में लोग नाभि के नीचे स्थापित, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, 5 बार करना है मेरे साथ करिए, 1 2 थोड़ा खींचा दीजिए, 1 2 1 2 1 2। अब एक बार आप अपने अपने बैग चेक कर लीजिए, प्रयोग के बाद हम देखेंगे कितना फायदा होता है लाभ मिलता है ठीक है। देख लो जिनको बैग पहले जरा चेक कर लो कैसा लग रहा है क्या लग रहा है, फिर बाद में वापस फीडबैक लेंगे हम कैसा आपको फायदा हुआ ठीक है। कर लिया चेक सबने? चलो ठीक है, अब लॉक लगाए पुनः, 1 श्वास भरते हुए, 2 पंजों के बल खड़े हो जाएं, तनाव दें दें और दें और दें, श्वास छोड़ते हुए एड़िया नीचे और श्वास भरते हुए, हाँ एक बार और, 1 श्वास भरते हुए, विक्रम चेंज कर रहा हूं, 2 तनाव दें पंजों के बल, दें तनाव दें जितना ले सकते हैं, 3 श्वास भरें एड़िया नीचे हाथ नीचे ले लाना, 4 श्वास छोड़, इसी क्रम में चलेंगे अब ठीक है, 1 2 पंजों के बल दे तनाव दे, 3 एड़िया नीचे, 4 तो लास्ट एक बार और, 1 2 3 4 ठीक है। कितने हुए? 2 प्रयोग हुए, अब तीसरा बता रहा हूं, तीसरे में हाथों को ऊपर जाके पीछे से आना है, इस तरह 1 2 हाँ थोड़ा घुटना बेंड जरूर करें, पीछे से आया ना तो घुटना बेंड करें, 1 2 आराम से, 1 2 1 2 1 2 नहीं घुटना बेंड करिए, देखिए नमाज पढ़ते पढ़ते रोजे गले नहीं पड़ने चाहिए, घुटना बेंड करना ना भूले नहीं तो प्रॉब्लम अच्छी होने के बजाय बढ़ सकती है ठीक है। 3 प्रयोग हो गए, अब चौथा प्रयोग बता रहा हूं, रीढ़ की हड्डी में 33 मणके होते हैं साइकिल की चेन की तरह, जब आगे पीछे हो जाते हैं कोई स्लिप डिस्क कहते हैं, कोई मणका घिसक गया, कोई बोलते हैं मणका दब गया, कोई बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन नहीं, और अलग अलग भाषाएं हैं, फिर भी जितने भी तरह की तकलीफ है अभी जो चौथा प्रयोग बता रहा हूं उसमें मणके सब सेटअप हो जाते हैं अपनी जगह ठीक है। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, अब पंजों के बल खड़े हो जाएं,
हाथों को ऊपर खींचे और धीरे धीरे चलिए, कंजों के बल चलिए, इस तरह चले छोटे छोटे डग खींचते हुए चले। हाँ, हाथों को नीचे लाए, अपने स्थान पर आए। आप थोड़े फास्ट चल गए, आपने सोचा शायद ट्रेन निकल जाएगी। ट्रेन नहीं निकलेगी, आप एक बार और करिए, जितना खिंचाव दे सकते हो आप। अभी आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगा, आप देखिए श्वास भरे, हाथ ऊपर, पंजों के बल खड़े हो जाए। अब चले छोटे छोटे डग, चलिए चले, पूरा खिंचाव दीजिए ऊपर, पूरा खिंचाव, चलिए इस तरह। धीरे धीरे अपने स्थान पर आ जाए। अब जरा आप चेक करिए अपनी बैग को, चेक करो कैसे लग रही है। बहुत अच्छा लग रहा। ये भाई साहब देखिए कितनी है आपकी, 73 में इन भाई साहब को जब पहली बार मैंने पूछा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए इनका चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिला हुआ है। क्या आप भी बोल रहे हो? क्या नाम है सर आपका? रजनीकांत शाह। रजनीकांत जी देखिए ऐसा चेहरा होना चाहिए और इस उम्र में इतना एक्टिव है तो आपको तो जरूर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ बैग के लिए, और मेरी आज की इच्छा है 50% फर्क आज पड़ना चाहिए। बोलो बैग वाले को जरा एक बार हाथ खड़े करो, बैग चुना, फिर ऑफिस पूछूंगा तो मालूम पड़ेगा ना मुझे। चलो ठीक है। हाँ अब देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, हर आदमी के पीछे त्रिकोण हड्डी है, देखो जरा चेक करो, त्रिकोण हड्डी ऐसे ऐसे पीठ के पीछे ऊपर है ना ऐसे। रंजना जी हाँ देखिए, रंजना जी ये डॉक्टर है, शोल्डर प्लेट्स। हाँ ये देखिए ये तो शोल्डर प्लेट्स ये। अब यहाँ पर आपको हाथ को ऐसे रखना है और फिर बॉडी को पीछे इतने भाग को पीछे ले जाना है, घुटना बेंड करना है इस तरह ऐसे, ठीक है। करिए मेरे साथ करिए। हाँ पीछे के घुटना बेंड कर, फिर वो थोड़ा सा फासला कर लीजिए आधा फीट जाए पीछे। हाँ आए ऊपर एक बार और पीछे जाए, घुटना जरूर बेंड करें, कोई भी घुटना बेंड करना ना भूले, यथाशक्ति रुकने का प्रयास करें। धीरे धीरे ऊपर। हाँ अब नाभि नेवल उसके पीछे रखिए दोनों हाथ और पैरों में 1.5 फीट का फासला इस तरह। करिए घुटना बेंड करिए, पीछे जाइए। हाँ एक बार आप ऊपर आइए, देखो इनका देखो आप एक बार ऊपर आओ, रंजना जी को देखो बहुत सुंदर कर रही है। हाँ करिए रंजना जी ये देखो, अरे बैलेंस बैलेंस बैलेंस, अच्छा बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ ओके आ जाइए ऊपर। अब हम कमर पर हाथ रखेंगे और कमर तक के भाग को पीछे ले जाएंगे, घुटनों में 2 फीट का फासला हो जाएगा यहाँ। ठीक है जाइए पीछे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। हाँ एक बार आइए ऊपर, कमर पर हाथ रखे जाए पीछे, घुटना बेंड करें, बेंड बैलेंस, जबरदस्ती नहीं, चक्कर आए तो आंखें बंद कर दें और चक्कर बटने को ना कर, आ जाइए ऊपर। सीटें बजने लगे, मुंह से सांस छोड़ दो, एक बार कचरे को निकाल दो सर। हाँ अब आप देखिए जरा, अब जरा बैग वाले चेक करो, चलो अपनी जगह पे, अपने जगह पर मूवमेंट करिए आप। बोलो मनोज जी चलो, सच के सिवाय कुछ नहीं, ये दुनिया बड़ी अजीब है, ईमान यहाँ बिकता है, बाजार बड़ा बेदर्द है, इंसान यहाँ बिकता है, और इसे भी कड़वा सत्य सुन लीजिए, अदालत के द्वार इंसान के हाथों भगवान बिकता है। तो सच बताइए आपको कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ता। बोलो मनोज जी कैसा लगता है? बोलो मैडम आप, बहुत अच्छा लग रहा, रियल में लग रहा है, कैमरा खुश करने के लिए। हाँ